नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच खेला जा रहा है, लेकिन आज इस वनडे मैच से पहले एक बुरी खबर भी देश और दुनिया के लिए आई, जब लता मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा कह गई। पूरी भारतीय टीम ने लता जी के निधन पर शोक जताया है और आज भारत की पूरी टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में काली पट्टी पहनकर मैदान पर उतरी है। इसी बीच राष्ट्रीय गान के दौरान भी तिरंगा आधा झुका रहा। आपको बता दें कि लता मंगेशकर का भारतीय क्रिकेट पर एक बड़ा एहसान भी रहा है। दरअसल साल 1983 में जब भारतीय टीम ने पहली बार विश्व कप जीता था, उस समय दुनिया के अब के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के पास खिलाड़ियों को इनामी राशि देने तक के पैसे नहीं थे। उस समय लता जी ने प्रोग्राम कर खिलाड़ियों की इनामी राशि के लिए पैसे जुटाए थे और बीसीसीआई से उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया था। ये बड़ा एहसान लता जी भारतीय क्रिकेट पर छोड़कर चली गई। भारत और वेस्टइंडीज मैच में कमेंट्री कर रहे भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी लता जी के निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताया है। उन्होंने क्रिकेट में लता जी की दिलचस्पी को लेकर बात करते हुए कहा कि लता जी क्रिकेट में काफी रुचि रखती थी, वे इस खेल को काफी बारीकी से जानती थी। आपको बता दें कि इसके अलावा बीसीसीआई ने भी भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा जताए गए शोक का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। आपको बता दें कि भारतीय टीम इस समय अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना 1000वां वनडे इंटरनेशनल खेल रही है और ये माइलस्टोन हासिल करने वाली भारतीय टीम विश्व की एकमात्र टीम बनी है। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।